मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर। सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज सिंथेसिस, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें सिंथेसाइज करता है। जो लिवर है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज भी होती हैं, ये जो चीज़ें सिंथेसाइज करता है उनकी लिस्ट है। फिर कुछ चीज़ों को ये स्टोर करता है, और फिर इसमें कुछ कन्वर्जन्स भी होती हैं, एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है, और रिसाइकलिंग का अमल भी जहाँ पे है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। तो सबसे पहले अगर हम सिंथेसिस में देखें तो क्या सिंथेसाइज करता है लिवर, नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या शामिल है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे पहले जो है वो अमोनिया बनाया जाता है, और अगर तो वो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं जहाँ पे उनको बहुत फ्रीली वाटर अवेलेबल होगा तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिस तरह से अब हम लोग हैं, हमें हम पानी के अंदर तो नहीं रहते, पानी हमें उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली मछलियों के अवेलेबल होते हैं, लिहाजा हमारे अंदर ये ज़रूरी है कि अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हमारे अंदर यूरिया में कन्वर्ट होता है। और अगर आगे चला जाए, जैसे रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं जिनको पानी बहुत ही कम अवेलेबल होगा, तो उनमें इसको उसी यूरिया से भी कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज यूरिक एसिड। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, लिवर। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट वो तमाम वेस्ट हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, और ये ज़्यादातर प्रोटीन या डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, उनसे ये चीज़ बन उनसे जो है वो जब उनकी ब्रेक डाउन होगी उससे ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे। तो ये तीनों चीज़ें लिवर के अंदर बनाई जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये यूरिया साइकिल है, ठीक है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस है, बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं। तो बस इसको फिलहाल हम इतने तक ही कर लेते हैं कि जो यूरिया बनने का अमल है या अमोनिया बनने का अमल है, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये लिवर के अंदर होते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट देखें, चलें ये जो इसका थोड़ा सा आगे देख सकते हैं कि होम्योस्टेसिस पे इसका क्या फैट बनता है, कि ये चीज़ें ये बना तो सकता है, ये वाले वेस्ट प्रोडक्ट लिवर बनाता है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि किडनी इट सपोर्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। किडनी के पास जब ये यूरिया के फॉर्म में चला जाएगा तो फिर उसको आसानी होगी कि वो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सके। सेकेंड चीज़ जो लिवर सिंथेसाइज करता है दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन लाइक प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन। अब प्लाज्मा का लफ्ज यहाँ पे जो यूज़ किया गया ये ब्लड प्लाज्मा से है, यानी हमारे जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें सिंथेसाइज करता है। तो ये दो तीन तरह की प्रोटीन्स का यहाँ पे नाम लिखा गया है, प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन। इसमें ये जो दो प्रोटीन्स हैं प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, इनका मेजर रोल है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, खून को जमाने में ये रोल प्ले करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट पे एल्ब्यूमिन है ये रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। पहले देख लेते हैं जी ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है और किस तरह से जो ये दोनों तरह की प्रोटीन्स हैं इसमें रोल प्ले करती हैं। ये देखें, ये हमारी ब्लड वेसल दिखाई गई है, इस ब्लड वेसल में ये जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, आपको पता है प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल दिखाए गए हैं। अगर कोई वाउंड हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो इससे ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो ओपन हो गई ना ब्लड वेसल, यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। फिर जब भी कोई ज़ख्म होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो जो जिस पॉइंट पर ये रप्चर हुई है इसको फौरी तौर पर प्लग किया जाए, यानी इतनी जल्दी हीलिंग तो नहीं होती, लाजमी बात है, ब्लड वेसल के वो तमाम चीज़ें मेम्ब्रेन्स वगैरह दोबारा बनानी पड़ती हैं, तो एंडोथीलियम दोबारा से बनाना पड़ती है, तो फौरी तौर पे यहाँ पे कुछ प्लग लगाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम खून का लोथड़ा कहते हैं। जैसे आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा, कभी भी कोई ज़ख्म लगता है तो फौरन से वहाँ पे खून जम जाता है। तो चलें जी, अब जमाने में क्या रोल प्ले करते हैं, जैसे कोई ज़ख्म होगा हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्रोथ्रॉम्बिन बचे क्या चीज़ है, ये वो प्रोटीन है जो कि लिवर के अंदर बनती है। चलें जी, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन फर्दर फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द फिब्रिन, और फाइब्रिनोजन भी वो प्रोटीन है जो अभी हम पीछे देख चुके हैं कि लिवर बनाता है, प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन वैसे तो सॉल्यूबल है, लेकिन जब ये फिब्रिन में कन्वर्ट होती है तो ये
इनसॉल्यूबल बन, यानी कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स बन जाती हैं, एक जाला सा बना देती है या एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसके अंदर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल वो सारे इंटेंगल हो जाते हैं। आपको ब्लू कलर में ये लाइनें नज़र आ रही होंगी, तो ये जो नेटवर्क है ये किसने बनाया है? फिब्रिन ने। जब ये नेटवर्क एक तरह का एक जाली सी बन जाती है, फिर जो भी ब्लड सेल यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं वो इसमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और इस तरह से ये जो क्लॉट है वो सॉरी ये जो वाउंड है वो सील हो जाता है, और जहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो ये दो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, और ये हमारे लिवर के अंदर बनती हैं। इस तरह से लिवर का ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आ जाता है। तो इसके अलावा जी हमने एक और चीज़ पढ़ी है एल्ब्यूमिन, के जो लिवर है उसके अंदर एल्ब्यूमिन बनती है, लिवर एल्ब्यूमिन को भी बनाता है। एल्ब्यूमिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है। अब एल्ब्यूमिन का रोल देखने पीछे जो है वो हम लोग टेबल में देख चुके हैं कि एल्ब्यूमिन क्या करती है, कि इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक बैलेंस का क्या मतलब है? कि ब्लड के अंदर कितना पानी रहना चाहिए और कितना पानी यहाँ से निकल के टिश्यूज के अंदर चला जाए। अब देखिए जब एल्ब्यूमिन ज़्यादा होगा, अगर आपको थोड़ा सा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा रिटेन करेगा। और ये पीछे जो है वो शायद अगर किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आई विल रिकमेंड कि आप हमारा फर्स्ट लेक्चर लाजमी सुने होम्योस्टेसिस के हवाले से। उसमें आपको हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक ये कंडीशन अगर आप समझ लेते हैं तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब इसमें देखें कि ऊपर वाले डायग्राम में अगर नॉर्मल एल्ब्यूमिन होगी, एल्ब्यूमिन ज़्यादा है इसका मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, और वाटर यहीं पे रहेगा क्योंकि वाटर हमेशा जो है वो फेवर करता है कि वो जहाँ सोल्यूट ज़्यादा है वो वहाँ पे रहे। तो यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है तो पानी यहाँ पे ज़्यादा मौजूद रहेगा, लेकिन अगर एल्ब्यूमिन ना हो या एल्ब्यूमिन कम हो तो वाटर फिर इस जगह पे नहीं रहेगा। यानी ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर है, बाकी नॉर्मल जो हमारे टिश्यूज हैं वो अपनी नॉर्मल जो भी उनके शेप है वो उसमें रहेंगे। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन कम होगी तो पानी ब्लड वेसल के अंदर नहीं टिकेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि ये जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं ये उनके अंदर चला जाएगा। और जब टिश्यूज के अंदर पानी आ जाता है तो फिर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडिमा। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि लिवर के अंदर जो बनने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो कि ब्लड प्रोटीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। अगर लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो ये एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि हमें हमारे टिश्यूज के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, और उस चीज़ की वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम काज हो जाते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट देखें कि लिवर के अंदर बाइल बनती है, ठीक है, और बाइल बाइल बहुत सारे सॉल्ट्स का जो है वो एक मजमू है, एक तरह का लिक्विड होता है जो कि लिवर के अंदर बनता है, और डाइजेशन के दौरान जब जब हमारा जो फूड है, जो हम फूड खा रहे होते हैं, वो स्टमक को लीव करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो उस टाइम लिवर से बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो बाइल का मेन रोल क्या है कि इट इमल्सिफाइज फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इमल्सिफाई फैट्स का क्या मतलब है? कि फैट के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं फैट्स के, तो ये उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब छोटे छोटे पार्ट्स में फैट कन्वर्ट हो जाएगा तो एंजाइम के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो इन पे एक्ट करें, और फिर फर्दर इनकी डाइजेशन पॉसिबल होगी। इसके अलावा जी लिवर के अंदर लिपिड्स सिंथेसिस भी होती है, लिपिड कोलेस्ट्रोल, लिपोप्रोटीन, तमाम चीज़ों की सिंथेसिस भी लिवर के अंदर होती है। अब इनका क्या रोल है? कि रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। कि ब्लड के अंदर भी उसको उसके अंदर कितने लिपिड्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, ये इसमें भी रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा लिपिड के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, तो एनर्जी स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। और थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं लिपिड उनका बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई गई है, और ये जो आपको पर्पल कलर्स में ये नज़र आ रहे हैं बबल, तो बेसिकली ये लिपिड्स ही दिखाए हैं इनका, ये एक हेड है और ये आगे तक इनको दिखाया हुआ है।
एक लेयर की इधर पड़ी हुई है लिपिड्स की और एक लेयर यहाँ पे दिखाई गई है, तो लिपिड बाय लेयर, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि मेम्ब्रेन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि अगर लिवर के अंदर ये चीज़ें नहीं बनेंगी, एक तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, हमारी ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है, और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। जस्ट इमेजिन कि अगर सेल्स की मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाए तो क्या वो सेल सर्वाइव कर सकते हैं? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए और सेल सर्वाइव करे। सेल डेथ मीन डेथ ऑफ टिश्यूज एंड देन डेथ ऑफ ऑर्गन्स और डिस्टर्बेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। इसके अलावा जी लिवर के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर भी होती हैं, और इन स्टोरेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आयरन है और सेकंड वन इज ग्लाइकोजन। आयरन का क्या रोल बताया हुआ जी? आयरन को स्टोर करने का क्या फ़ायदा है कि इसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आयरन है, और आयरन उसको फर्दर ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है। इसको आप जरा इस डायग्राम से देखें, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर ये हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें तो ये जो इसमें आपको लॉन्ग चेन नज़र आ रही है, दीज आर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन हैं ये। और इनके अलावा इसमें ये जो आपको ग्रे कलर के बबल नज़र आ रहे हैं, ये इसमें आयरन है, या जिसको हीम भी कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का नाम से ही जाहिर है कि उसमें ग्लोबिन इन प्रोटीन पार्ट भी है और उसमें हीम यानी आयरन पार्ट भी मौजूद होता है। तो ये आयरन अब हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंट रोल है, और जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है विद आयरन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो तभी हम कहते हैं, तब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है और इस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है। तो इससे क्या पता चला कि लिवर के अंदर जो आयरन स्टोर होता है वो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड की ऑक्सीजनेशन के लिए। इसके बाद ये सेकेंड हमने देखा था कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है जी लिवर के अंदर। और इसके बाद नीचे वाला जो स्टेप है वो इसे रिलेटेड है कि लिवर क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है एक्सेस ग्लूकोज, जो कि मतलब ब्लड के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली जो एक्सेस लैक्टिक एसिड है उसको भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जो जब ज़रूरत पड़ती है तो जो स्टोर ग्लाइकोजन मौजूद होता है उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से वो एनर्जी को स्टोर भी करवाता है और यूज़ भी करवाता है, ठीक है। मसलन जब आप बहुत ज़्यादा कोई स्वीट लेते हैं, बहुत मीठी चीज़ खाते हैं, तो उस टाइम आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो लिवर क्या करता है कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको वो स्टोर कर देगा अपने सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब आप स्टारवेशन की कंडीशन में होते हैं, या जब हम कह सकते हैं जब हम रोजे की हालत में होते हैं, तो उस टाइम अब हम बाहर से तो फूड नहीं ले रहे होते, लेकिन हमारे अंदर जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज मौजूद है, तो इस ग्लाइकोजन की दोबारा ब्रेक डाउन की जाती है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ग्लूकोज से एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये एक तरह का कन्वर्जन का प्रोसेस है, और ये कन्वर्जन लिवर के अंदर ही पॉसिबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिवर है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइम आपकी ज़रूरत क्या है। इसके बाद देखें जी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का लफ्जी मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इतनी यूजेबल नहीं है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर चुके हैं आपके ख्याल में, वो चीज़ अब आपके काम की, जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको दोबारा से प्लास्टिक को मेल्ट करके उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी रिसाइकलिंग का अमल होता है। कैसे रिसाइकलिंग का अमल होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं कुछ जो कि ओल्ड हो चुके होते हैं, यानी वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनके कॉन्टेंट्स को यूज़ किया जाता है और दोबारा से नई हीमोग्लोबिन बनाई जा सकती है, ताकि नए रेड ब्लड सेल को वो हीमोग्लोबिन प्रोवाइड की जा सके। इस तरह से ये ऑक्सीजनेशन में रोल प्ले करते हैं। इसमें देखिए ज़रा कि ये वो रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि अब पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, और इनको ये देखिए कुफर सेल्स, ये कुफर सेल्स लिवर की सेल की एक टाइप है। तो कुफर सेल्स क्या करेंगे जी, इसको फेगोसाइटोज कर देंगे रेड ब्लड सेल को, जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर यंग या जो हेल्दी रेड ब्लड सेल हैं अगर उनको भी फेगोसाइटोज करना शुरू कर दें, तो
ये फिर एक डिजीज है जैसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, नॉर्मल कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल ओल्ड हो चुके होते हैं, कुफर सेल्स उनको फेगोसाइटोज करते हैं। फेगोसाइटोज करने के बाद उनकी ब्रेकडाउन होती है और इसमें से हीमोग्लोबिन को सेपरेट किया जाता है, और फिर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है और ये ग्लोबिन पार्ट इसका सेपरेट हो जाएगा, हीम पार्ट इसका सेपरेट हो जाएगा। हीम फिर आयरन की फॉर्म में जो है वो फर्दर स्टोर किया जा सकता है, या फिर दोबारा उनको बोन में भेज दिया जाता है, क्योंकि आपके रेड ब्लड सेल बोन में ही बनते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है। तो आयरन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बोन के अंदर, ताकि वो दोबारा से रेड ब्लड सेल बनाए, और जो ग्लोबिन है उसको फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर अमाइनो एसिड से फर्दर और प्रोटीन्स भी बनाई जा सकती हैं, और सिमिलर से जो है वो अगेन ग्लोबिन भी बनाया जा सकता है। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, ये भी कौन कर रहा है, लिवर। इसके बाद जी जो लास्ट फंक्शन है इसका, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिक एक चीज है टॉक्सिक, जो कि जिसे हम कहते हैं जहर, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते। तो अगर उसके इस नुकसानदेह असर को खत्म कर दिया जाए, या उसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज अगर कर दिया जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है। तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जिसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, फूड एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं। फूड एडिटिव्स का क्या मतलब है, जैसे अब जो हम आर्टिफिशियल फूड पे ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, फूड कलर्स हैं, फूड फ्लेवर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं, इनमें टॉक्सिसिटी हो सकती है इनसे। या इसके अलावा जो है वो पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, पेस्ट जो है वो कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाए। आपको पता है फसलों के ऊपर स्प्रे हम लोग करते हैं, वहाँ पे जो मौजूद कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी किल करने के लिए, और जड़ी बूटियों को भी किल करने के लिए। तो जब हम स्प्रे करते हैं, तो जो फूड जो फ्रूट हमें लेने होते हैं, उनके ऊपर भी वो उसके कुछ ना कुछ है वो रेजिड्यू रह जाते हैं उस स्प्रे के या उस पेस्टिसाइड के। तो लाजमी बात है, जब हम वो खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो पॉइजन है। सिमिलरली ड्रग्स, कुछ लोग जो है वो अडिक्ट होते हैं अल्कोहल के, या इस तरह से किसी भी और ड्रग्स के, या हम मेडिसिन जो लेते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको डिटॉक्सिफाई ना किया जाए, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी और हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को ये डैमेज कर सकते हैं। तो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इन तमाम केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, और जब डिटॉक्सिफाई करेगा तो इस तरह से फिर किडनी जो है वो उसको आराम से बॉडी से बाहर निकाल सकती है। इसमें आप देखिए कि जो टॉक्सिन है, ठीक है, पहले टॉक्सिन किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, फैट सॉल्युबल, यानी उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी फैट है, जहाँ कहीं भी एडिपोज टिश्यूज हैं, या हम चर्बी जिसे कह सकते हैं, ये उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो लिवर क्या करेगा कि इन टॉक्सिन को उसके कुछ एंजाइम्स हैं P450 जैसा लिखा हुआ है, उनको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट सब्सटेंस के अंदर, और इंटरमीडिएट के बाद फिर उनके साथ जो है वो कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ और एंजाइम या कुछ कंपाउंड उनके साथ मिलाए जाएंगे, कंजुगेशन होगी, कंजुगेशन होने के बाद लास्ट पे वो वेस्ट क्या बन जाएंगी, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, जो चीज़ वाटर सोल्यूबल है इसका मतलब है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, फिर किडनी के अंदर यूरिन के जरिए से उसे आसानी से वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल चीज़ होगी वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगी, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स को वाटर सोल्यूबल वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वाटर सोल्यूबल जो वेस्ट है ये किडनी से भी बाहर जा सकते हैं, या ये जो हमारे मतलब फीसिस के जरिए से भी बॉडी से बाहर जा सकते हैं। यहाँ तक जो है वो लिवर के फंक्शंस हमने तकरीबन सारे डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स आप समझने की कोशिश करें। बच्चे आपको अगर किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस पॉइंट को दोबारा से भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।